All right, question number 8 and question number 9. If income of a consumer is 1000, आपकी इनकम कितनी है 1000, out of which the consumer consumes worth rupees 800, 800,000 में से उसने कंज्यूम करे हैं, the marginal propensity to consume is, private company चलेगी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, risk है, लोग खरीदना चाहेंगे नहीं खरीदना चाहेंगे, that will depend कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं रिस्क लेना या नहीं करते, आप as a person might want to take risk, correct? Government securities में risk नहीं होते, दो concepts है sir, saving and investment, ठीक है? मैं आपको broadly समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत tough concept है, छोटे time span पे इसको समझो, हम जो पैसा है वो banks में डालते हैं, banks उनको loans में चेंज करके investment purpose के लिए बाहर देता है। इनकम सरप्लस पे हो ना हो हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इनकम है तो आप सेविंग्स करेंगे ये माना जाता है। बैंक के पास CRR, SLR सब कुछ उसने असाइड करके उसको आगे लोन में कन्वर्ट कर दिया। आप गए हमारे को फ्रिज खरीदना, आज मेरे को घर खरीदना है, आज मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को AC खरीदना है। These are investments that you make as a customer. वो पैसा आपको कौन देता है? वो लोन कौन देता है? बैंक देता है। But बैंक कहाँ से देता है? अपनी पॉकेट से देता है? अपनी पॉकेट से नहीं देता है। जो कंज्यूमर ही अपने पैसे सेव करते हैं, वो बैंक्स को देते हैं। अब कंज्यूमर के पास सेविंग कहाँ से आई? उसकी इनकम से। Consumer is 1000, out of which the consumer consumes worth rupees 800. What is the marginal propensity to save? 20. अब मैं कह रही हूँ आप savings बढ़ाना चाहते हैं, आप 20 ना करके 30 saving करना चाहते हैं, क्यों करेंगे आप? अगर bank rate of interest बढ़ा दे, आप ज़्यादा रखें, अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे आपको ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होएगा तो सेविंग्स विल आल्सो इंक्रीज, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ऑटोनॉमस का मतलब है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमने ये बात की सर कि आपकी इनकम है तो आप कंज्यूम करेंगे एंड आप सेव करेंगे, मैं कह रही हूँ लेट्स नॉट सेव, मेरी रिक्वायरमेंट ही 100 का ही खर्चा है, मेरा मेरी इनकम 100 है, मैं पूरा का पूरा खर्च कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज 1000, आपकी इनकम कितनी है 1000, आउट ऑफ विच द कंज्यूमर कंज्यूम्स वर्थ रुपीज 800, 800,000 में से उसने कंज्यूम करे हैं,